होम कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब कैसे होंगे। माशाल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। और आज जो है हमारे घर पे आने वाले हैं मेहमान, तो हम लोगों ने जो है घर की बिल्कुल साफ सफाई कर दी। और ये एक सॉरी मेरे भाई, खैर ये हमारे घर में पूरी सफाई हो चुकी है। ये देखें यहाँ पर हम लोगों ने इतनी सी ये बिछाई है चटाई प्लास्टिक, रजवा तकिए क्यों नीचे रखा, तो इतनी सी बिछाई है ताकि हम लोग नीचे बैठ सकें। और अम्मी जो है यहाँ पे किचन में कर रही हैं काम, और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अम्मी क्या बना रही है मेहमानों के लिए। और मेरा भाई और ये अजवा देखें मस्तियाँ करते हुए, और मेहमान आने वाले और उनके सामने तुम लोगों ने कोई मस्ती की। तुम लोग नहीं, अपना बोल अपना, ये तुम बोल। दोनों करते हो, मैं नहीं करती। अपना बोल अपना है। अम्मी मैं करती हूँ कोई मस्ती? अम्मी मैं कोई मस्ती करती हूँ मेहमानों के सामने? जवाब नहीं मिल रहा ना। करती हूँ? जवाब नहीं मिल रहा ना। यानी कि मैं नहीं करती हूँ। और देखे बारिश भी हो रही है, बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है साथ में। और मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि अम्मी क्या बना रही है। और जो है यहाँ पता नहीं मुझे क्यों ऐसे गौर से देख रही है। देखिए अम्मी ने जो है यहाँ पे ये क्या किया, गिरा दिए सारे चावल। अभी अभी जो है मैंने चावल नापे यहाँ पे अभी भिगोए हैं, और ये सारे मसाला वगैरह कट चुका है, और बस अम्मी ने पकाने की तैयारी कर चुकी है। और अब बस यहाँ पे प्याज ब्राउन हुआ है। उन्होंने कितनी देर से वेट कर रहे हैं लाइट का, लाइट का, क्योंकि आज सुबह से गैस ही नहीं है बिल्कुल भी। और यही होता है जिस दिन किसी ने आना होता है या किसी ज़रूरी काम होता है लाइट का, तो लाइट नहीं होती है। मैंने कपड़े प्रेस करने थे, अभी मैंने जल्दी जल्दी से प्रेस करके पहने। गाइस आप नाम नहीं लिया करो, क्या कर रही हो? हैं मेहमान आ गए हमारे, आ गए तो भाई यहाँ पर जो है हमारे सारे मेहमान बैठे हुए, पापा भी बैठे हुए, बातें वगैरह हो रही हैं। और यहाँ पर जो है अजवा पता नहीं क्यों फ्रिज में घुसी हुई है। और यहाँ पर जो है अम्मी ने चावल जो है बिल्कुल रेडी कर दिए। ये देखिए मैंने अभी अभी दम पे रखे हैं, अम्मी अभी अभी अंदर गई हैं तो मैंने ये दम पे रखे हैं। और माशाल्लाह 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 से वाइट पुलाव बना। देखें अभी इसमें थोड़ी सी कमी पेशी है जो कि अभी मैंने दम पे रखे हुए हैं, तो बस ये थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हमारा बिल्ला जो है ऊपर चल, ये रहिए आ गया, कब आए आप? हेलो अब फ्रिज में नहीं घुसता, मैंने अभी इसको मारा है। अम्मी मुझे अंदर से ही देख रही है। तो भाई तो हाथ रख लोटी। तो यहाँ पे मेरी खाला भी आ चुकी हैं। इतनी लेट आई हो आप, जब तक हम लोगों ने सारी डेट भी फिक्स कर ली। मिठाई तो नहीं खाएंगे? नहीं मिठाई का डब्बा भी खोला है खाएंगे। वैसे मैं लेट आई हूँ, पहुँच गई। हाँ बारिश हो रही थी लेकिन अभी बारिश रुक गई। और मेहमान खाना खा रहे हैं लेकिन हम लोग जो है वीडियो बनाए जा रहे हैं, हम लोग समझ रही नहीं। और यहाँ मेरा भाई पता नहीं चावल डाला है अपने लिए, और मैंने चाय रखी है उसके अंदर अभी तक पत्ती नहीं डाली क्योंकि मेरा भाई अभी जो है दूध लेने गया था, वो दूध पड़ा हुआ। और अभी बस मैं डालती हूँ, मैं तो मिठाई के साथ लग गई थी। मिठाई वगैरह तो बाद में खाएंगे, अभी सब पहले खाना खा ले। मिठाई कैसे, रमीज कैसे लग रहा है? कह रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है तेरा, तेरा नहीं हो रहा। मिठाई को देख के, चावल को देख के, किसी को देख के। और ये मेरी एक बदत बहन जो हर वक्त हर व्लॉग में रोती रहती, साली क्यों रो रही है? तो ये खाओ ना, वाइट पुलाव बनाया मम्मा ने। मिठाई लालच नहीं करना, मिठाई लालच नहीं करना। बन कर रमीज यार, मैं चाय देती हूँ, अभी फटाफट से चाय बनाते हैं। ओहो वाह भाई वाह, इसको तो किसी कपड़े की ज़रूरत ही नहीं पकड़ने के लिए। खैर अभी हम लोग फटाफट से चाय बनाते हैं। खिलाओ मिठाई आप भी जाओ।
आप भी खिलाएं। इसी में से खिला। मुबारक हो आप सब लोगों को, मुबारक हो। कौन सी खाओगी? तुम भी खाओ, नंद बनने जा रही हो। तुम भी खाओ, साली बनने जा रही हो। तो पूरा ही चला गया। तारीख हमने तय कर दी है शादी की, तो करीब बस आप तो लोगों से इतना ही कहूंगी कि आप लोगों ने सब ने मिलकर बहुत सारी दुआएं करनी है हम सबके लिए। हाँ। और बहुत सारी दुआएं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि आज का व्लॉग फ़ौरन ही हमने डेट फिक्स कर ली है, 2 महीने का हम लोगों ने टाइम रखा है। तो अभी हम लोग तैयारियाँ शुरू करेंगे शादी की, तो 2 महीने का टाइम रख लिया हमने। इंशाल्लाह जो भी तैयारियाँ करेंगे आप लोगों के साथ, वो सारी तैयारियाँ जो भी करेंगे शेयर करेंगे, जो भी शॉपिंग करेंगे। तो आज फाइनल हमने डेट रख ली है। तो आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप भी मेरी बेटी के लिए बहुत सी दुआएं करना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद करती हूँ आप बहुत दुआएं करेंगे। तो जो भी शॉपिंग करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। कल से तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी, और फिर क्यों, 2 महीने बहुत टाइम कम है। और बाहर बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं क्योंकि 14 अगस्त, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 14 अगस्त आ गई है। ये देखें हो रहे हैं इनके काम। ये कह रही मैं बड़ा बाजा लेके आऊंगी। बाहर बच्चों ने इतना शोर शराबा मचाया हुआ है, बाजे सुबह से जब से उठे की आवाज आ रही है। तो अभी भी फातिमा भी बाहर है, जैसे कि मैं दिखाती हूँ। ये देखें फातिमा झंडियां लगा रही है। हाँ, अजवा ने लगवाई है। वाह, अजवा बहुत खुश है और झंडियां लगाई जा रही है। पूरी तैयारी है 14 अगस्त मनाने की। और गाइस मैंने अम्मी को बोला कि मैं ना बड़ा वाला बाजा लेके आऊंगी। मैंने मार्केट में देखा इतना बड़ा बाजा है और ना उसकी इतनी तेज आवाज है। रात में ग्राउंड में बच्चों में इतना शोर आ रहा था, मैंने कहा मैं भी यही बाजा लूंगी। तो मैं घर से निकाल दूंगी। नहीं वही वाला बाजा, बाहर जाके ग्राउंड में बाजा बजाना, ठीक है ना? ग्राउंड में लोग, हाँ ग्राउंड में जाके बाजा बजाना और वहीं पर एंजॉय करना। सही। और ये फातिमा मैडम भी आ चुकी है लोगों के साथ झंडियाँ लगा लगा के, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ। फातिमा, और ये मेरे बेटे को बुखार हो रहा है और ये उठ रहा ही नहीं है। कह रही उठ जाओ दवाई लेके आए, ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। और फातिमा ने आके मुझे तंग करना शुरू कर दिया, कह रही मम्मा हम भी झंडियाँ लगाएंगे। तो मैं इस वीडियो का यही करती हूँ एंड। तो आप लोग बहुत दुआएं करना हमारे लिए, और फातिमा ने झंडियाँ लगानी है। फातिमा बहुत बहुत ही बोल रही है, देखते हैं लगाते हैं कि नहीं लगाते, है ना फातिमा? नहीं लगाएंगे। परसों तो 14 अगस्त। आप क्या करोगी 14 अगस्त पे? मैं कोई सामान ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया आपने? मेरे पास पैसे ही नहीं है। बाय बाय कर दो सबको, बस अभी मेरे भी तो बाय करना है। बाय।